और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस पवन यादव को बेकसूर बताया था, पुलिस का कहना है कि पवन को साक्ष्यों के आधार पर पकड़ा गया था। पवन यादव आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मिला था। पवन का कहना है कि वो चाय पी रहा था और यादव होने की वजह से उसे फंसाया गया था। अखिलेश यादव ने भी पवन को बेकसूर बताया। दरअसल 31 जुलाई को लखनऊ में तेज बारिश हुई थी और शहर के गोमती नगर इलाके में टैक्स होटल के पास पानी भर गया था, जिसमें लड़के हुड़दंग कर रहे थे। हुड़दंग में वहां गुजर रही लड़की के साथ बदतमीजी की गई थी। मामला सीएम योगी तक पहुंचा और पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पवन यादव भी शामिल था।